अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तह वाली बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटन में दही लगाकर 15 मिनट पहले से रख दिए हैं। 1 केजी मटन है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे हम इसे। बराबर से चलाते ही रहेंगे ताकि बराबर से ही ब्राउन हो। तो चलिए देखिए इसमें ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं गोश्त। जितना पहले से आप दही लगा कर रखेंगे कोई भी गोश्त में उतना ही अच्छा बिरयानी बनेगा आपका। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डालेंगे। अब लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब मोटी कटी हुई प्याज 4 मीडियम साइज। टमाटर पिसा हुआ 2 से 3। आप इसे काट कर भी डाल सकते हैं। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, उसे बराबर से चलाकर चम्मच में हल्का पानी डालकर इसे कुछ भी जायज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ जाया नहीं होना चाहिए। अब इसमें ढक्कन लगाकर हम इसे कुक करेंगे 25 मिनट। चलिए देखते हैं। वाओ, ये तो बन चुका है। बराबर से चला लेते हैं इसे पहले। ये रेडी हो चुका है। चलिए साइड में रखते हैं। अब हम आलू फ्राई करेंगे। छोटे साइज के आलू है इसलिए हम 2 पीस नहीं किए हैं। बड़े साइज के आलू होती तो 2 पीस कर देते हैं। अब फूड कलर डालकर और नमक डालकर इसे फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है।
सारे निकाल लेंगे हम। अब गोश्त में डालकर इसे थोड़ा आलू गलने देंगे 5 से 10 मिनट। पाँच से दस मिनट कुक कर लेंगे इसे। चलिए देखते हैं। ये गल चुका है, बराबर से इसे चलाएंगे। पहले ये रेडी हो चुका है। इसे ढक्कन लगाकर हम साइड में रखेंगे। अब हम चावल के लिए पानी चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पानी उबालेंगे 2 तेज़पात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और नमक। नमक थोड़ा पानी में तेज़ ही होना चाहिए क्योंकि चावल फिर से छना जाता है पानी से। और हम बिरयानी लाल कर रख लिए हैं पहले ही से। 1 से 1.5 प्याज लाल किया हुआ और बासमती राइस से ये 1 किलो, इसे भिगो दिए थे मैंने 1/2 घंटा पहले। और 2-3 पानी से धो लिए हैं साफ से इसे। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल डालते हैं। अब इसे हम नींबू का रस और रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच। नींबू का रस इसलिए डालें कि चावल खिला खिला रहा है, सफ़ेद दिखे, वाइट वाइट दिखे। और तेल इसलिए डालते हैं कि चावल चिपके नहीं एक दूसरे से। तो चलिए इसे पकने तक 25 मिनट तक पकाते हैं। इसे चलाकर बराबर से देखते हैं। अभी कुछ देर और गलेगा ये। 5 से 10 मिनट तक इसे और पकने देते हैं। अब हम तेज पत्ता निकाल देंगे, गरम मसाला निकाल देंगे। बहुतों को मुंह में लगता है, पसंद नहीं आता ये सब। बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो हम डाले थे, दालचीनी, एक बार बराबर से फिर से चला कर देखते हैं। करीब हो ही चुका है ये। चलिए अब इसे छान लेते हैं, पानी से छान लेते हैं चावल को। छान लिया मैंने चावल को पानी से। अब एक डेगची में हम जिसमें बिरयानी लाल किए थे वही तेल लिए, थोड़ा तेल डालेंगे 1 चम्मच ताकि चावल सटे नहीं केंदी में। अब हम इसमें डालेंगे पहले 1 लेयर चावल। बिरयानी तो बहुत तरह की बनती है, सबका टेस्ट अलग होता है। एक लेयर चावल डालेंगे पहले। अब गोश्त डालेंगे, आलू गोश्त मिलाकर डालेंगे। रमज़ान में भी पका सकते हैं आप इसे। बिरयानी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद आती है बिरयानी।
उसके ऊपर बिरयानी डालेंगे। फूड कलर डालेंगे, थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, फिर से एक लेयर चावल डालेंगे। बहुत कोई बिरयानी में पुदीना और हरा धनिया डालते हैं, आपको पसंद है तो आप भी डाल लीजिए, हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता पुदीना और हरा धनिया, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। फूड कलर फिर से डालेंगे, ठीक से गोश्त आलू डालेंगे ऊपर से। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हमारे घर में ईद में तो बनता है ये, आम दिन में भी हम बनाते हैं इसे। और भी बिरयानी हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, बिरयानी डालेंगे, फिर चावल डालकर इसमें नींबू का रस डालेंगे, सब बिरयानी में एक अलग ही मज़ा है, अपने आप पर सब अच्छा है। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप भी बनाइएगा घर में, मुझे बताइए कैसा लगा। रिफाइन ऑयल ऊपर से डाल दिए हैं, आप थोड़ा फूड कलर डाल लेंगे ऊपर से, थोड़ा ऐसा हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। बहुत कोई इसे पसंद नहीं करता है खुशबू खाना, तो चलिए इसे अब हम दम में रखते हैं 10 मिनट। दस मिनट हो चुका, चलिए दिखाते हैं आपको, ये बिल्कुल रेडी है। इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सभी को खुश रखे, नेकी के राह पे चलाए, हर मुसीबत हर परेशानी से दूर रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।